तो हम आज बनाने वाले हैं मठरी, नमकीन मठरी जो बहुत ही पसंद आती है सबको। चाय के साथ या नाश्ते में खा सकते हैं इसे। और इस दीपावली हम बहुत सारे मठरी बनाए हैं, तो आप भी बनाइए एक बार घर में। इस तरफ बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। तो उसके लिए हम पहले ले लेंगे यहाँ पर मैदा। मैदा लगभग 1 किलो के अंदाज में होगा, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसमें डाल देंगे अजवाइन क्रश करके, उसके बाद डाल देंगे हम यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक, और इसमें डाल देंगे जो बहुत जरूरी चीज होता है, वो होता है कस्तूरी मेथी। बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, इसे भी थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। और उसके बाद डाल देंगे इसे, बहुत सारा डालेंगे, और एक पिंच डाल देंगे हम खाने वाला सोडा। और एक कटोरी के लगभग यहाँ पर हम तेल ले लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है मैदे में, बिल्कुल अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे। और इस तरह मुट्ठी बनना चाहिए, जब दबा कर देखेंगे मैदे को तो मोयन सही होता है इस तरह। तो थोड़ा थोड़ा हम पानी डालकर इसमें हम बहुत ही सख्त एक डो तैयार कर लेंगे मैदे का। इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, हार्ड डो तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए ये तैयार हो चुका है। तो इसे हम आटे को रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ेंगे, इसे तुरंत बना लेंगे हम। तो पहले इस तरह जितना बड़ा बनाना है, ज़्यादा आप बड़ा नहीं बनाइए, छोटे छोटे ही लोई को काट लेंगे हम, तोड़ लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। तो बिल्कुल छोटे छोटे यहाँ पे हम बाउल तैयार कर लिए हैं, और इसे ज़्यादा मसलना नहीं है, ज़्यादा इसे दबाने पे ऐसे फटना चाहिए, तब बहुत ही अच्छा बनता है ये मठरी। साइड से क्रैक होना चाहिए तभी अच्छा लगता है। तो इस तरह देखिए बीच से हम अच्छी तरह हथेली पर लेकर दबा दिए हैं, और उसके बाद चाप कर सारे मठरी को तैयार कर लेंगे। यहाँ पर गैस पे रख दिए हैं, कढ़ाई गर्म हो गया है, और थोड़ा सा एक टुकड़ा डाल के देखेंगे हम। तो देखिए ऊपर आ रहा है तेल में, यानी कि तेल अच्छा गर्म हो चुका है। तो इसे हम सारे मठरी को एक एक करके तेल में डाल देंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो कर देंगे, बिल्कुल धीमी आंच में फ्राई करेंगे इसे हम। बहुत ही खास्ता बनती है ये। तो सारे मठरी को हम जितना तेल है डूबने भर उसमें हम डाल देंगे। अच्छी तरह देखिए अपने आप तेल में धीरे धीरे ऊपर तैर कर ये आने लगता है। देखिए सारी मठरी ऊपर तेल में आ गया है। थोड़ी देर बाद इसे हम पलट लेंगे। और बिल्कुल अच्छी तरह गोल्डन फ्राई कर लेंगे इसे हम। लेकिन इसे बिल्कुल मीडियम टू लो आंच में फ्राई करना होगा, लगभग 8 से 7 मिनट लग जाता है फ्राई करने में, तभी बहुत करारी और खास्ता बनती है ये मठरी। तो देखिए इस तरह सारे को हम पलट कर भी फ्राई कर लिए हैं। ये अच्छी तरह हो चुका है, इसका कलर बहुत अच्छा आ गया है, चेंज हो गया है। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे अब। तो इन सबको निकाल लिए हैं। अब उसके बाद
बाकी जो बचे हुए हैं उसे भी फिर से इस तेल में डालकर हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह बिल्कुल छोटे छोटे बना रहे हैं ताकि अच्छे से थोड़ा फूल जाते हैं अंदर तक, क्रिस्पी बन जाता है ये। अगर आपका मटरी खास्ता नहीं बनता है तो उसके लिए एक और ट्रिप है, उसके लिए आप इस तरह जो कांटे वाले चम्मच होते हैं उससे आप इस तरह बीच में थोड़ा थोड़ा छेद कर दीजिए, तो इससे भी बहुत क्रिस्पी बनता है, खास्ता बनता है ये मटरी। तो उस तरह हम बना रहे हैं एक बार आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए सारा मटरी बनकर तैयार है, इसे तोड़ कर भी दिखाते हैं हम। देखिए बहुत ही खस्ती बनी है ये। तो इस तरह आप एक बार घर में बनाकर जरूर ट्राई करें, और कैसी बनी है आपकी मटरी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।